हेलो गाइस कैसे हो आप सब लोग तो आई होप आप सब बढ़िया हो गे. तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश के जो पिछले साल ही एनुअल एग्जामिनेशन में आए थे 2021 के ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास इलेवन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार एनुअल एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी हो सके तो चलिए शुरू करते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके आज ही आज इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसा है इंग्लिश का पेपर जो हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बारह क्वेश्चन टोटल हैं इस पूरे पेपर में और पंद्रह प्रिंट पेजेस हैं ढाई घंटे का टाइम है और मैक्सिमम मार्क्स एट्टी मार्क्स का होगा क्योंकि आपको थोड़ी रिलैक्सेशन मिली थी कोरोना के टाइम पर तो तभी ये एटी मार्क्स का पेपर आया हुआ है सबसे पहले सेक्शन ए की बात करें तो रीडिंग कंप्रहेंशन रीड द फॉलोइंग पैसेजेस मेक नोट्स एंड राइट अ समरी विद अ टाइटल टू इट इसमें पैसेज हमने अच्छी तरह पढ़ना है और हमें नोट्स बनाने हैं ठीक ये कुछ ऐसा है we have been brought up to fear insects we regard them as unnecessary creatures that do more harm than good man continually wages a war on them for their containment uh, his food carry diseases or devour his crops they sting or bite without provocations they fly they fly une. uninvited into his rooms on summer nights or beat against his lighted windows we live in dread not only of unpleasant insects like spiders or wasps but of quite harmless ones like mouths ye guys ye video thodi lambi ho jayegi to hum ये, ये, तो ये काफ़ी लंबा है पैसेज पढ़ने के लिए तो आप देख सकते हो यहाँ तक है ये पूरा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ये का आपका है टेन मार्क्स का ईच होगा ये क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड इसमें भी आपको पैसेज रीड करना है और आंसर देने क्वेश्चन के क्वेश्चन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है इसके पहले ये कुछ इतना इतना सा पैसेज है तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं यहां तक क्वेश्चन है इसके फर्स्ट क्वेश्चन वाई डज द नरेटर कंसिडर माउंटेनरीज एज हीरोज वाई डज द नरेटर कंसिडर माउंटेनरीज एज हीरोज दूसरा क्वेश्चन क्या है पिक आउट द वर्ड इन दैसेज विच मीन एज ए ए ब्लाइंडिंग स्टॉम ऑफ वाइन विंड एंड स्नो बी इन ग्रेट क्वांटिटी थर्ड क्वेश्चन है माउंटेनियरिंग इज अ सोर्स ऑफ प्लेजर एंड अ माइंड ऑफ ग्रेट नॉलेज गिव द एंटोनिमेंट ऑफ एप्रिशिएट इसका एंटोनिम देना अप्रिशिएट का आपको तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ है इसका द इन जर्नी द वर्डर इज ए नउन है, verb है, adjective है वर्ब है एबजेक्टिव है या एडवर्ब है दूसरे क्वेश्चन टू वोम अब्रेव माउंटेर हैज बीन कंपेयर्ड इन हिस्स पैसेज दूसरा नेम एट लीस्ट थ्री ऑब्सटेकल प्रॉब्लम्स डेट समटाइम्स फोर्स मोटनर टू सस्पेंड द एक्सपेडिशन एक्सपेडिशन हाउ डज मोटनरिंग स्टैंड वैल्यूएबल फॉर द साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिक एक्सेट्रा और है यूज द वर्ड प्रीमेटिव इन योर ओन सेंटेंस लास्ट क्वेश्चन है इसका More, mountaineering is an adventure full of fun and joy, challenges, risks, all of these. ये भी है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका फिर हम आते हैं सेक्शन बी पे जो है राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर यू आर द cultural सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज द ग्रैंड कल्चरल प्रोग्राम ऑन मार्च 10, 2022 at 5 एट onwards. ऑनवर्ड्स write a notice to be put on school notice board not not exceeding 50 words inviting names of the students who want to participate in it for poetry recitations one act play folk dances and group songs etc all these items should be relating to national integration and communal harmony only सेलेक्शन वुड बी डन बाई द कल्चर कम्युनिटी ऑफ द स्कूल प्योरली ऑन मैरिट यहाँ आप इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ इसमें यू आर द पर्सनल मैनेजर ऑफ़ द कंपनी टेक्निकल इंडिया ड्राफ्ट एंड एडवरटाइजमेंट नॉट एक्सीडिंग फिफ्टी वर्ड्स टू बी पब्लिश इन दीडिंग न्यूज पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस एक्सिक्यूटिव द एप्लिकेंट मस्ट हैव अ गुड नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड फ्लमसी इन स्पोकन इंग्लिश इन स्पोकन इंग्लिश फोर्थ क्वेश्चन है इसका द रोड लीडिंग टू योर स्कूल इज वेरी कंजेस्टेड एंड फुल ऑफ फोर्थोलेस स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर ऑफन कॉट इन ट्रैफिक जैम्स राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द लीडिंग न्यूज पेपर ड्राइंग अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू दिस प्रॉब्लम एंड रिक्वेस्टिंग फॉर इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ द वर्ड ये आपको लिखना है 120 टू 150 वर्ड्स तक या आप इसके जिकार कर सकते हो यू आर द लिब्रेरियन ऑफ योर स्कूल एज डिजायर्ड एंड ऑर्डर बाई द प्रिंसिपल राइट अ लेटर टू मिसेज यूनिक बुक शॉप ऑर्डरिंग फॉर द सप्लाई इंग्लिश बुक्स एंड बुक्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विच हैव रिसेंटली बीन इंट्रोड्यूस्ड बाई बॉस फॉर द स्कूल लाइब्रेरी ये भी आपको कोई वन ट्वेंटी टू वन फिफ्टी वर्ष तक लिखना है ये आपका सिक्स मार्क का क्वेश्चन होगा फिर आपको फिफ्थ क्वेश्चन है राइट एंड ईमेल टू योर फ्रेंड कन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन बिकमिंग द कैप्टन ऑफ द स्कूल क्रिकेट टीम एज कन्वेड बाई द नोटिस ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफिस ये आपको लिखना है कोई फिफ्टी टू एट्टी वर्ड्स का जो चार नंबर का होगा आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे सिक्स इंसिडेंट ऑफ क्राइम्स अगेनस्ट वुमेन और इंक्रीजिंग एज द स्टूडेंट्स एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजाइन राइट एंड आर्टिकल ऑन उ कैन यू हेल्प इन फाइटिंग अगेनेस्ट दिसएल एंड दिन फॉर यूर स्कूल मैगजाइन ये आपको टू हंड्रेड से टू फिफ्टी वर्ड तक लिखना है यहाँ आप कर सकते हो उसकी जगह यू आर द प्रेस्ट क्रॉसपोडेंट ऑफ ए बी सी न्यूज वर्ल्ड देयर वॉज एन इंसिडेंट ऑफ थर्प्ट इन योअर लोकैलिटी वेयर मच ऑफ कैश एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स वर स्टोलन बाई सम वन राइट अ रिपोर्ट ऑफ द इंसिडेंट गिविंग अ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फॉर योर न्यूज़पेपर ये भी आपको 200 से 250 वर्ड्स का लिखना है यह आपका क्वेश्चन होगा आठ मार्क्स का सातवें क्वेश्चन पे आते हैं हम एडिट द फॉलोइंग पैसेज एंड क्रेक्ट द एरर्स अंडरलाइंड एज आई सून एज आई ओपन द डोर आई सी डैश डैश फर्स्ट है माई फ्रेंड सोहन फिर डैश सेकेंड ग्लैड टू सी यू आई सैड डैश थर्ड कमिंग प्लीज I made him sit on the sofa and offer him Fourth A glass of water When did you come from Dash Fifth From Delhi I asked He only smiled and say, said I came yesterday But friend I has learned Dash Sixth That east or west home is the best I would advise all not to left home Dash dash Seventh Eighth Unless it is unavoidable and necessary. You have Next, read the extract from a poem given below and answer any two questions given at the end. Where did my childhood go? Was is the time I realized that adults were not all they seemed to be. They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. वॉज डैट द डे आपको ये जो है एक्स्ट्रेक्ट रीड करना और जो क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उसके आंसर देने आपको पहला क्वेश्चन है वट डाज द पोइट एक्सपीरियंस अबाउट द एडल्ट सेकेंड वट डाज द पोइट फील है वर्चुअली लॉस्ट हर चाइल्ड हुड थर्ड एक्सप्लेन बट डिन नॉट एक्ट सो लविंगली ये आपका जो है दो मार्क्स का होगा नेक्स्ट पेज क्या आते हैं अब है आपको एट नाइन्थ क्वेश्चन अटैम्प्ट एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको इनमें से कोई पाँच क्वेश्चन जो है सेलेक्ट करने हैं पहला है वाई डिड द ग्रैंड मदर ए कंपनी द नरेटर टू ही स्कूल वाई डिड शी डू देयर जो ये है द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी चैप्टर में से दिया हुआ है सेकेंड वट हैंड्स थर्ड वाई वाज द नरेटर डिसअपॉइंटेड विद डार्चन सिल्क रोड के चैप्टर में से आया हुआ है हॉर्स वट आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम जो है आपके दस मार्क्स के क्वेश्चन होंगे टेंथ पे आते हैं इसमें ऑल द डेंजर्स एंड डिजास्टर कुड बी कंफ्रंटेड विद पेशेंस कोवरेज एंड डिटर्मिनेशन दिस वार देशिक वर्चुअर्स विच एनेबल द राइटर हिज फैमिली एंड क्रू मेम्बर्स टू रीच सेफली टू द आईलैंडब हाउ द राइटर एंड हिज फैमिली एट्सेट्रा एग्जिबिटेड दिस वर्च्यूज इन क्राइसिस एंड कंक्लूड विद ब्रीफ कमेंट एज टू हाउ दिस वर्च्यू आर एसेंशल फॉर लाइफ ये आपको लिखना है जो है वन ट्वेंटी टू वन फिफ्टी वर्ड्स तक लिखना है इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे आते हैं वट इज द चेंज डेट हैज कम इन हुमन प्रिसप्शन वट इज द रोल ऑफ द ग्रीन मूमेंट इन ब्रिंगिंग सच अ चेंज ये उसके आर में था जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया ये भी आपको वन ट्वेंटी टू वन फिफ्टी वर्ड्स का लिखना है ये जो है सिक्स मार्क का क्वेश्चन होगा आपका अलेन्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ मिससेज पियर्सन इज ट्रीटेड बाई हर ओन चिल्ड्रंस एंड हजबेंड हाउ डज शी सेट दम राइट यहाँ आप इसके आर में क्वेश्चन यहाँ कर सकते हो आप एग्जागेड नेशन ऑफ जस्टिस लेट द किंग टू हिस्स ओन डेथ गिवर रीजनल आंसर यह भी आपका सिक्स मार्क्स का होगा फिर वट डू यू अंडरस्टैंड बाई आउटसाइडर आर्ट डिस्क्राइब द वर्ल्ड वाइड रिकोगनाइजेशन अचीव बाई नेक चांद एज ए लिविंग एग्जाम्पल ऑफ आउटसाइडर आर्ट और इसमें है कंपेयर फ्रेंक एंड क्रॉकर हैरिस टू ब्रिंक टू लाइट दोज क्वालिटीज डेट फ्रेंक मिस्ड विच मेक अ ग्रेट टीचर ये भी सिक्स मार्क का होगा कुछ इतना सा पेपर था इंग्लिश का जो अस्सी मार्क्स का था ये मेरी जो है सेकेंड वीडियो है थोड़ा अगर मैं इसमें गड़बड़ा रहा हूँ बोलने में तो कृपया माफ़ करें आने वाली वीडियोज़ में मैं और मेहनत करूँगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय